तैयार होके बैठे हो? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपने? कहाँ जाना है? ये कैसे क्यों देख रहे हो? ऐसे क्यों देख उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जान खुश होंगे। तो आज शवेद और मैं फिर से बैठे हुए हैं घर में अकेले। अभी थोड़ी देर हुई है, शवेद जागा है, नहाए धोए हैं, इसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए, इसने दूध वगैरह पी लिया है, नाश्ता वगैरह हो गया। आज मैंने की है ऑफिस से छुट्टी, कुछ काम थे तो इस वजह से छुट्टी की है। अभी जो शवेद है इसको छोड़ना है डे केयर और फिर मैं जाऊंगा बाहर। ये बाल शायद मैंने कुछ कटवाने हैं, बड़े हुए हैं काफी दिन हो गए, ठीक नहीं करवाए, तो बाल भी ठीक करवाने हैं और कुछ और काम है वो भी करेंगे। सबसे पहले जो है शवेद को छोड़ना है डे केयर। फिर आप डे केयर जाओगे? नहीं, शुभेश कह रहा है कि नहीं मैंने डे केयर नहीं जाना। वो कहता है कि मेरे साथ ही रहो, घर में रहो, हम घर में खेलें, एंजॉय करें, मजे करें। लेकिन ये क्या करे कि शुभेश को डे केयर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि काम करने जाना है बाहर, तो फिर शुभेश को डे केयर जाना, आपको डे केयर जाना पड़ेगा शुभेश। क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? फाइनली H1 सैलून में पहुंच गया हूं। अभी कटवाने हैं बाल, फिर फारिग हो गए, फिर दूसरे काम वगैरह करके और फिर जाके शबेज को लेना है और फिर घर जाना है। मैं अभी जल्दी जल्दी बाल कटवा लेता हूं और फिर मैं निकलता हूं। फाइनली जो है कटिंग हो गई है, मैंने कटिंग करवा ली है। इस बार जो है किसी और बार्बर ने कटिंग की है, पहले किसी और ने की थी, थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो आप लोगों ने जरूर बताना है कि इस बार की कटिंग कैसी है और पहले बार की जो कटिंग थी वो कैसी थी। पहले बार वाली की हो तो आप लोगों ने लाइक किया था, इस बार वाली को देखना है कि ये कैसी हुई है। तो अभी मैं निकलता हूँ, कुछ चीजें वगैरह लेनी है, वो लेके मैं घर निकलता हूँ। अभी ये ना मार्केट वगैरह से फिर के मैं वापस आ गया हूँ और शवेज को भी वापस ले आए हैं। ये देखें जी, शवेज वापस आ गया। ये शवेज का सामान पड़ा जी, आ गया। शवेज जो है ना जब वापस आता है ना तो ये थका हुआ होता है डेकेयर से, अभी ये सोएगा, फ्रेश होगा और फिर ये एक्टिव हो जाएगा फुल टाइम। हाँ जी शवेज। हाँ जी, बैग उठा के साथ लेके जाना। बैग को भी साथ सुलाना है आपने। शवेज ओके। अभी जो है सारे लोग घर आ गए हैं और दोपहर का टाइम नहीं बल्कि दोपहर से अगला टाइम हो गया, मतलब कि असर का टाइम हो गया। और सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद दोपहर का खाना नहीं खाया, तो अभी लगी थी भूख। घर में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं पड़ा था, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल की है। शॉर्ट ट्रिक में ये चाय है और ये हमारे पास गजरेला पड़ा हुआ है, अम्मा जी के बनाया हुआ, साथ में अम्मा जी के बनाए हुए टिकड़े हैं, तो इनसे गुजारा करते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पेट पूजा कर लेता हूँ और फिर कुछ इंटरेस्टिंग काम है वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो स्टे विद अस, इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला। अभी कुछ पेट पूजा की थी, चाय वाय पी थी, तो अभी बारी आ गई है जी पैकिंग की। आप लोगों को पता है आजकल चल रही है विंटर का सीजन है, हर जगह जो है विंटर की छुट्टियों की हलचल मची है। जहाँ भी छुट्टियां हो गई, मतलब के पंजाब में भी छुट्टियां हो गई, 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गई हैं, 6 जनवरी तक छुट्टियां जाएंगी, 2 वीक से भी ज्यादा है और लोग काफी इंजॉय करने वाले हैं। विंटर की छुट्टियों की वजह से शवेज की मामा जो है उसको भी छुट्टियां हो गई है और शवेज को भी छुट्टियां होगी, मतलब डे केयर से उसको भी छुट्टियां होगी, तो वो भी घर में है, सब घर में है। तो मैंने भी सोचा है कुछ छुट्टियां वुट्टियां लेके तो कहीं निकलते हैं, तो अभी तैयारी हो रही है। अभी तो हम फिलहाल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो घर जाएंगे अम्मा जी के पास और वहां से फिर कुछ तैयारी वारी करके कहीं निकलेंगे, आउटिंग शूटिंग पे करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। काफी दिन है तो घर बैठ के तो बंदा बोर ही हो जाएगा और ये मौका भी है, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, फैमिली के साथ आउटिंग होगी, इंजॉयमेंट होगा और मजे मजे कुछ वीडियोज बनाएंगे। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ पैकिंग कर रहा हूँ, ये कुछ मैंने अपनी पैकिंग की है और ये शवेज की हम स्पेशल ये कोको वाली लेके जा रहे हैं, क्योंकि आउटिंग पे जाएंगे तो ठंड का मसला काफी ज्यादा है, हो सकता है कि सर्दी बढ़ जाए आगे, जनवरी भी आ रहा है, जनवरी में तो शदीद किस्म की ठंड पड़ती है। उसी हिसाब से देखते हुए हम जो है पैकिंग करने लगे हैं, चीजें वगैरह सारी बैगों में भरने लगे। तो पैकिंग के लिए हमने काफी सारे बैग इकट्ठे कर लिए हैं, एक बैग ये है इसमें मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ, एक ये लेडीज बैग है
और ये इसमें शरीर के कपड़े आएंगे और बाकी जो बच जाएंगे, और फिर चौथा बैग वो पड़ा है और जरूरत हुई तो फिर उसमें पैकिंग कर। अभी मैं जल्दी जल्दी ये चीजें पैक कर लेता हूँ, और कुछ और चीजें भी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मजे की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले मैं ये पैकिंग कर लेता हूँ और फिर वो आप लोगों के साथ बाकी चीजें शेयर करते हैं। जो पैकिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये दोनों बैग फिल हो गए हैं, ये तीसरा भी फिल ऑलरेडी हुआ पड़ा है, और हमारा जो गुल खान है वो भी उठ गया है, हमारी पैकिंग में शामिल हो गया है। हाँ जी, अकेला दूसरे कमरे में सोया हुआ था, जो ही उठा तो उसने शोर मचा दिया कि किधर गया सब, किधर गया, हम भाग के गए, इसको भी ले आए और ये हमारी पैकिंग में शामिल हो गया है। ये काम हो गया है, अब शवेज के लिए कुछ सरप्राइज है, शवेज को दिखाना है, तो आए आप लोगों को भी दिखाते हैं और शवेज को भी दिखाते हैं, तो लेट्स गो। ये देखो, अभी प्लान कुछ इस तरह बन रहा है कि हम लोगों ने अभी जाना है गांव, तो प्लान है कुछ ओटिंग वोटिंग का, उसी मुनासिबत से आज कुछ शवेज के लिए हमने नया खरीदा है जो आप लोगों को दिखाते हैं और शवेज को भी दिखाते हैं कि वो कैसा है, इसको पसंद आता है या नहीं आता, क्योंकि आउटिंग का प्लान बना तो बड़ा ठंड होती है और फिर बच्चों को ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके लिए खसूसी इंतजाम करने चाहिए, तो शवेज के लिए हमने कुछ खसूसी इंतजाम किए हैं जो आप लोगों को दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शवेज के लिए एक हुडी ली है, इस तरह की एक पहले भी ली है जो कैमल येलो कलर में थी, ये मैरून कलर है और माशाल्लाह बड़ी मजे की है और वार्म है और शवेज को बड़ी फिट आई है, जबरदस्त साइज में जो है ना परफेक्ट है। येलो शवेज आपके लिए एक हुडी आ गई है मजे की, इसके अंदर जो है ना हवा क्रॉस नहीं करती, क्योंकि ये वो बनी होती है पैराशूट टाइप मटेरियल से बनी होती है, तो इसके अंदर जो है ना हवा वगैरह पास नहीं करती। शवेज जो है स्टीकर चेक कर रहा है कि कोई ब्रांड की है या वैसे लोकल लेके आया, ये है जी स्पेशल शवेज के लिए ब्रेकआउट की है जी। एक और हुडी है शवेज के लिए, ये ब्लू कलर और साथ में ऑरेंज कैप है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है और साथ में ये इसकी ऑरेंज कैप लगी हुई है, और ये बहुत ही मजे की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्टफ है इसका, और ऊपर जो प्रिंटिंग है वो बड़ी जबरदस्त है, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ये स्वेटर टाइप चेक करें जी कैसे लग रही, अच्छी लगेगी, और ये एक टी शर्ट, और ये एक टी शर्ट ब्लैक कलर में मोटे स्टफ में, ये शवेज रात को सोने के लिए पहनेगा, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक, ये दूसरी शर्ट है, ये भी टी शर्ट है और ये नेवी ब्लू कलर में है, स्टार वॉर्स की प्रिंटेड शर्ट है, ये इसका फ्रंट है, इसका बैक सिंपल है, शवेज पहनेगा तो स्टार वार का हीरो बन जाएगा। ओके, वो अभी टैग चेक कर रहा है, ब्रांड कंफर्म कर रहा है, ये देखें ये वाला देखें, ये देखें ठीक है, कंफर्मेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी और फिर ओके होगा, ये भी देखें, ये देखें, शवेज जो है अभी सारे टैग चेक करेगा और कंफर्म करेगा और फिर चीजें पास हो जाएंगी, तो चलें शवेज चेक कर लेता है, तब तक हम जो है कुछ और आपको दिखाते हैं। ये है कुछ न्यू, इस टाइम जो है ना इस बार जो है ना कुछ न्यू लिया है, ये वाला, और ये वाली स्लीवलेस जैकेट है, ये पहनने में भी इजी होती है और चलने में ना बहुत मजा आता है, क्योंकि बाजू आपके खाली खाली होते हैं, मेन मकसद ये था कि आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए ये परफेक्ट है, इस तरह फ्रंट है और ये बैक से है, एक पर्पलिश सा कलर है, तो ये देखते हैं पहनेंगे तो पता चलेगा कि ये सूट करता है या नहीं करता, तो मैंने वहां पर ट्राई किया था, अच्छा लगा था इसलिए मैं उठा के लिया, और एक ये हुडी लिया है, ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, ये कलर भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, और ये वाला कलर जो है ना ये फर्स्ट टाइम, पहले सारे जो है ना ब्लैक ब्लू चलते रहते हैं, तो ये कलर जो है ना डिफरेंट है पहले वाले कलरों से, ये थोड़ा हटके है, तो माशाल्लाह देखेंगे पहनेंगे तो पता चलेगा कैसे लगते हैं, उम्मीद है अच्छे लगेंगे, इसी उम्मीद से लेके आए हैं, ये ब्रेकआउट की है और ये वाली जो है ये डाइनर, एक और मजे की चीज ली है वो आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो मजे की चीज है ना ये देखें, ये कोट लिया है, ये कैजुअल सा कोट है, ये बहुत ही लाइट वेट, पहले भी मेरे पास कोट पड़े हुए हैं लेकिन वो जो है ना हैवी हैवी है, वजनी है, वेट भी ज्यादा है उनका, और वो जो है ना शर्टों के साथ अच्छे लगते हैं, ये जीन्स के साथ और कैजुअल में ये बड़ा मजे था, तो ये पहन के चेक कर लेते हैं इसका साइज जो है परफेक्ट है या नहीं,
तो ये चेक करें जी, फाइनली हमने जो है ना कोट ट्राई कर लिया है, माशाल्लाह परफेक्ट है, बाजों की लेंथ भी ठीक है और ये जो विड्थ है ये भी पूरी पूरी है और ये साइज में परफेक्ट। ये बड़ा हल्का सा ना लाइट वेट होता है, जब हल्की फुल्की ठंड हो रही होती है ये बंदा पहने, बाकी जो है ना बंदा भारी भारी पहन के निकलता है ना बाहर तो धूप निकली होती है, फिर बंदे को गर्मी लगती है, फिर कहता है उतार दो, उतारते हैं तो फिर थोड़ी ठंड लगती है। अभी इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये पूरी है, फिर मैंने वहां ट्राई की थी पूरी आई थी, लेकिन एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं ताकि वो क्या कहते हैं ना बाकी भी देख लें कि पूरी पूरी है या नहीं है, नहीं तो फिर चेंज करवानी पड़ेगी। तो ये भी ट्राई कर लिया, ये भी माशाल्लाह परफेक्ट साइज है और बड़ा जबरदस्त है, बाजू जो है ना बड़े लाइट लाइट फील कर रहे हैं, और नॉर्मल ठंड में धुंध वगैरह हो तो आपके लिए ये बड़ी मजे की है, जिनको एलर्जी है ये बाजुओं से उनके लिए ये मजे की है। ये जो ले जाएं, ये भी माशाल्लाह पूरी है, हल्की ठंड के लिए ये भी फिट है। तो ये कुछ चीजें हमने सर्दी के लिए अपने लिए और फैमिली के लिए खरीदी, और शिवेज के लिए भी कुछ खास चीजें खरीदी। शिवेज ने टैग वेरीफाई कर ली है कि ओके है, कंफर्म हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कपड़े ठीक है। उम्मीद है आज की हमारी छुट्टियों की तैयारियां और हमारी जो विंटर शॉपिंग है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।